गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। छात्रगण, हमेशा ध्यान रखें कि प्रातः काल की बेला पढ़ाई के लिए सबसे अच्छी होती है। सुबह सुबह याद करने वाली चीजों को आदमी ताउम्र नहीं भूलता है। हमेशा याद रखें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब देखिएगा, कई सफल व्यक्तित्वों का आप उदाहरण लीजिएगा, उन्होंने एक रूटीन लाइफ को जिया है, रात को जल्दी सोए हैं, सुबह जल्दी उठे हैं और दिन भर पूरे एनर्जी के साथ काम किया है। सुबह के समय का तो उपयोग उन्होंने किया ही, दिन भर भी वो तरोताजा अनुभव करते हैं अपने आप को। इसलिए रात्रि तक जगने का, कई लोग रात भर जग करके पढ़ रहे हैं और दिन भर सो रहे हैं, ये गलत प्रक्रिया है। सुधारें से यह कई बीमारियों को आमंत्रित करती है। छात्रगण, आज का जो तनाव भरा माहौल है, आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, आज जो लगातार हम लोग कॉम्पिटिशन का सामना कर रहे हैं, चारों ओर दबाव है हमारे, मानसिक दबाव है ना, समाज का दबाव, परिवार का दबाव, ऐसी स्थिति में यदि हम अपने हेल्थ के प्रति केयर नहीं करेंगे, अपने मन मस्तिष्क को तरोताजा नहीं रखेंगे, अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति हम लोग यदि केयरिंग नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। योगा, प्राणायाम, तनावों से दूर रहना, एकाग्रता आपके लिए बहुत ही जरूरी है छात्रगण, है ना। इन्हीं सब शुभ विचारों के साथ आज कक्षाओं की हम लोग शुरुआत करते हैं। विगत कक्षाओं में हम लोगों ने मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति के बारे में जाना था, आज हम लोग अकबर का साम्राज्य विस्तार के बारे में जानेंगे। छात्रगण, हेडिंग बनाइएगा, अकबर का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार लिखिए, नंबर एक, 1561 में अकबर ने मालवा अभियान किया था। मालवा अभियान किया था, किया था। मालवा के शासक बाज बहादुर, एक कुशल नर्तक एवं संगीतज्ञ थे। बाज बहादुर एवं रानी रूपमती, की प्रेम कथा, मालवा में काफी प्रचलित थी, नेक्स्ट, तीर्थ निशान छात्रगण, बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट लिखेंगे छात्रगण, गोंडवाना अभियान। लिखिएगा, 1564 में इस अभियान के समय यहां के शासक वीर नारायण, एवं रानी दुर्गावती, ने
वीरतापूर्वक मुगलों का सामना किया, मुगलों का सामना किया। परंतु पराजित होने के कारण मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट, आमेर अभियान। अभियान देखिए, जयपुर का प्राचीन नाम आमेर था, जयपुर का प्राचीन नाम आमेर था। यहां कछवाहा वंश के राजपूत शासक, कछवाहा वंश के राजपूत शासक भारमल या बिहारी मल, भारमल या बिहारी मल ने 1562 में स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, स्वीकार कर ली। नेक्स्ट, गुजरात अभियान। 1571 में मुजफ्फर खां तृतीय ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसी में तीर्थंकर गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने, गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार का सबसे तीव्रगामी एवं द्रुतगामी, तीव्रगामी एवं द्रुतगामी अभियान कहा था, द्रुतगामी अभियान कहा था, कहा था। गुजरात अभियान के दौरान, नेक्स्ट कंडीशन, गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने सबसे पहली बार समुद्र के दर्शन किए थे, समुद्र के दर्शन किए थे। नेक्स्ट, गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान के दौरान अकबर ने सबसे पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात की थी, अकबर ने सबसे पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात की थी, मुलाकात की थी, पुर्तगालियों से मुलाकात की थी। नेक्स्ट, तिपेंशल, गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी को, खंभात की खाड़ी को, इसी को गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहा जाता है छात्रगण, खंभात की खाड़ी को बाबुल मक्का, बाबुल मक्का या मक्का का प्रवेश द्वार,
बाबुल मक्का या मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बाबुल मक्का या मक्का का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कहा जाता है, जाता है। नेक्स्ट, अगला अभियान लिखेंगे छात्रगण, मेवाड़ अभियान। मेवाड़ अभियान लिखिए। यहां सिसोदिया वंश के राजपूत शासक महाराणा प्रताप का शासन था। नेक्स्ट, 1576 में भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला 1576 में भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के या में कर देंगे में स्थित राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में स्थित हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच युद्ध हुआ। अकबर का सेनापति राजा मानसिंह था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने वीरतापूर्वक सैन्य प्रदर्शन किया। घास की रोटी खाना कबूल किया परंतु मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजस्थान के प्रसिद्ध व्यापारी भामाशाह इनवाइट कॉमा अंडरलाइन छात्रगण लाल कलम भामाशाह ने महाराणा प्रताप को इस युद्ध में व्यापक पैमाने पर आर्थिक रूप से सहायता की थी। इस युद्ध में भील जनजाति ने भी महाराणा प्रताप को सैन्य सहायता दी थी।
नेक्स्ट। दौलताबाद अभियान, दौलताबाद अभियान। देखिए यहां की शासिका चांद बीवी थी, चांद बीवी थी। नेक्स्ट, अहमदनगर अभियान, अहमदनगर अभियान। देखिए सन 1600 में इस अभियान के समय अहमदनगर के राजा बहादुर शाह और उनकी बेगम चांद बीवी बीवी का शासन था। नेक्स्ट, असीरगढ़ अभियान, अभियान। देखिए सन 1601 में यह अभियान अकबर का अंतिम अभियान था, अभियान था। यहां के शासक मीरन बहादुर थे, यहां के शासक मीरन बहादुर थे। अकबर ने असीरगढ़ के दुर्ग की चाबी सोने की बनवाई थी तथा इस दुर्ग को सोने की चाबी से खुलवाया था। खुलवाया था। यह छतगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अकबर का साम्राज्य विस्तार और उससे जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण पहलू जो आपको ध्यान रखना होगा और एक एक चीजों को छतगन याद रखना होगा, गौर करना होगा, मनन करना होगा। पूछेगा छतगन अकबर का प्रथम अभियान कौन सा था, तो मालवा अभियान था, है ना। मालवा के शासक कौन थे, बाज बहादुर थे और रानी रूपमती का यहां पे शासन था। कब हुआ था, 1561 में हुआ था। बाज बहादुर कौन थे, तो एक प्रसिद्ध नर्तक और संगीतज्ञ थे। बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथाएं पूरे मालवा में प्रसिद्ध थे छतगन, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है छतगन। 1562 में अकबर ने जो है आमेर का अभियान किया था, जहां के राजा कछवाहा वंश के राजा थे, है ना, भारमल या बिहारीमल, जो कि जोधाबाई के पिता थे। छतगन भारमल ने अपनी स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। छतगन आमेर में जो भारमल थे वो किस राजपूत बिरादरी से आते थे, कछवाहा वंश से आते थे। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त रूप से आता है। छतगन 1564 में अकबर ने गोंडवाना अभियान किया और यहां रानी दुर्गावती ने वीरता पूर्वक अकबर का सामना किया। छतगन 1571 में अकबर ने गुजरात अभियान किया, जो कि उसके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान था। क्यों, क्योंकि गुजरात अभियान के समय अकबर ने पहली बार समुद्र का दर्शन किया था, खंबात की खाई का दर्शन किया था। अकबर ने अपने जीवन में पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात की थी गुजरात अभियान के दौरान ही। छतगन गुजरात अभियान के दौरान खंभात की खाड़ी को बाबुल मक्का या मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि जो भी हज यात्री निकलते थे भारत से मक्का मदीना की यात्रा के लिए,
है ना, वो खंबात की खाड़ी से ही पानी के जहाज से होकर के जाते थे छतगन। पहले पानी के जहाज से लोग हज यात्रा के लिए जाते थे, क्योंकि हवाई जहाज तो था नहीं उस समय, तो पानी के जहाज से जाते थे, महीनों लग जाते थे छतगन। तो बाबुल मक्का या मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता है छतगन, खंबात की खाड़ी को। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन भी आ चुका है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। पूछेगा, अकबर के किस अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार का सबसे तिरुगामी और द्रुतगामी अभियान कहा है? गुजरात अभियान को कहा है। ध्यान रखेंगे छतगन, गुजरात अभियान के संबंध में कहा गया है। गुजरात अभियान के समय गुजरात के शासक कौन थे? तो मुजफ्फर खां थर्ड थे, मुजफ्फर खां तृतीय थे। इसे भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा, इसे भी मनन करना होगा, इसे भी याद रखना होगा, इसे भी स्मरण करना होगा। छतगन, एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, एक एक चीजों को याद रखें। छतगन, 1576 में अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था महाराणा प्रताप के साथ, मेवाड़ अभियान, है ना। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी छतगन, ध्यान रखिएगा, है ना। मेवाड़ की राजधानी कहां थी? चित्तौड़। छतगन, यहां सिसोदिया वंश के शासक वीर राजपूत योद्धा देश की आन बान और शान के लिए, स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले सिसोदिया वंश के राजपूत शासक वीर योद्धा महाराणा प्रताप का शासन था। छतगन, महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खानी कबूल कर ली, जंगल में अपने दिन बिताए, भील जनजाति का सहारा लिया। भामाशाह जो कि इनके मित्र थे, व्यापारी थे, उन्होंने अपना पूरा पैसा निकाल करके महाराणा प्रताप को दे दिया देश की आन बान और सुरक्षा के लिए। सोचिए, व्यापारियों ने भी कम जो है त्याग बलिदान नहीं किया छतगन, है ना। तो भामाशाह एक व्यापारी थे, एक व्यवसायी थे, लेकिन जब देश की आन बान और शान की बात आई तो इन्होंने भी अपने पूरे राजकोष को खाली कर दिया। और छतगन, पूरा राजकोष, पूरा अपना कोष को सैन्य सहायता में दे दिया महाराणा प्रताप को। और भामाशाह तभी से इतिहास में प्रसिद्ध हो गए, एक दानवीर के रूप में, एक स्वाभिमानी व्यक्ति के रूप में, एक देशभक्त व्यक्तित्व के रूप में भामाशाह। ध्यान रखेंगे छतगन, छतगन गौर करेंगे, भामाशाह एक अद्भुत और अद्वितीय पुरुष थे। और महाराणा प्रताप को उन्होंने अकबर के खिलाफ जो आर्थिक सहायता दी थी वो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। छतगन, दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है, इस युद्ध में जो है भील जनजाति ने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया था। पूछेगा, किस जनजाति ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? भील जनजाति ने साथ दिया था। छतगन, महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम था चेतक। इस लाइन को लिख लेंगे छतगन नीचे नोट में, महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम नीचे नोट में लिखेंगे छतगन, एनओटी नोट, महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था। चेतक था जो हवा में बातें करता था, हवा में बातें करता था, और उसने कई बार महाराणा प्रताप की जान बचाई थी, जान बचाई थी, थी। जो हवा में बातें करता था, जिसने कई बार महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। छतगन, यह घोड़ा नहीं था, यह हवाई जहाज था, यह हेलीकॉप्टर था। छतगन हवा में बातें करता था, पहाड़, नाले, नदी, जंगल, पहाड़ी, घाटी सबको फांद जाता था ये। और कई बार इसने महाराणा प्रताप को मुगलों से और अन्य आक्रमणकारियों से बचाया था। छतगन, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व एक राजपूत ही कर रहा था, मानसिंह, आमेर का राजा। छतगन, भारमल का पुत्र था आपको जो है, भारमल के पौत्र थे मानसिंह, यानी पोते थे, है ना। छतगन ध्यान रखिएगा, अकबर का साथ दे रहे थे मानसिंह, क्योंकि मानसिंह की बुआ जोधाबाई का विवाह अकबर के साथ हुआ था। और महाराणा प्रताप जो कि सिसोदिया वंश के राजपूत शासक थे, उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। छतगन, हल्दी घाटी का युद्ध जो कि राजस्थान के अरावली पर्वत, जो कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, यहीं पर मौजूद है हल्दी घाटी का मैदान,
है ना, अरावली पर्वत श्रृंखला में ही मौजूद है। ये भी क्वेश्चन आता है कि हल्दी घाटी का मैदान किस राज्य में है, राजस्थान में, किस पर्वत श्रृंखला में है, अरावली पर्वत श्रृंखला में मौजूद है। यहीं पर यह युद्ध हुआ था छतगन, हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, एक एक चीजों पर पैनी निगाहें, एक एक चीजों को ध्यान, एक एक चीजों का मनन, एक एक चीजों का अध्ययन करना होगा छात्रगण। आपको एक एक चीजों को याद रखना होगा। यह भी अपने आप में हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के लिए बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। 1576 याद रखेंगे, महाराणा प्रताप और अकबर याद रखेंगे, अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था याद रखेंगे, महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक था, महाराणा प्रताप को भामाशाह नामक व्यापारी ने काफी आर्थिक मदद की थी ध्यान रखेंगे, और भील जनजाति ने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया था। महाराणा प्रताप राजपूतों में सिसोदिया वंश के राजपूत थे, यह भी क्वेश्चन आ चुका है छतगन। 1576 में यह युद्ध कहां हुआ था छतगन, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला में यह युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, है ना छतगन, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। छतगन अकबर का जो अंतिम विजय अभियान था वो असिरगांव का अभियान था छतगन, 1601 में यह हुआ था। मीरन बहादुर यहां के शासक थे छतगन। इस किले को जीतने में अकबर को एड़ी चोटी का दमखम लगाना पड़ गया, पसीने तलक गए उसके, कई महीने लग गए उसे जीतने में। छतगन अकबर ने इस जीत से प्रसन्न होकर इस किले की चाबी सोने की बनवाई और सोने के चाबी से इस किले के ताले को खुलवाया था। पूछेगा अकबर ने किस दुर्ग के ताले को सोने की चाबी से खुलवाया था, तो असिरगांव के दुर्ग के ताले को सोने की चाबी से खुलवाया था। अकबर का अंतिम विजय अभियान कौन सा था, असिरगांव अभियान था। कब किया था, 1601 में हुआ था, महाराष्ट्र में स्थित है असिरगांव, ध्यान रखिएगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह है छतगन अकबर का साम्राज्य विस्तार और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें। हल्दी घाटी का युद्ध याद रखेंगे छतगन, मालवा अभियान, गोंडवाना अभियान, गुजरात अभियान से भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, ये सबको याद रखेंगे। अंतिम अभियान असिरगांव का अभियान था, है ना, ये सब चीजों को आपको छतगन याद रखना है, है ना। अहमदनगर की शाशिका चांद बीवी थी, इसे भी आपको ध्यान रखना है, है ना। तो ये सब चीजें छतगन एग्जामिनेशन में आपको पूछी जाएंगी, आपको इसे एकदम याद रखना होगा, मनन करना होगा। अब हेडिंग बनेगा छतगन अकबर के दरबार के नौ रत्न, अकबर के दरबार के नौ रत्न, रत्न लिखिए। नंबर एक बीरबल, बीरबल लिखिए। यह अकबर के राजनीतिक सलाहकार थे, यह अकबर के राजनीतिक सलाहकार थे। नेक्स्ट, बीरबल को अकबर ने कविराज की उपाधि दी थी, कविराज की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, महेश दास था। नेक्स्ट, बीरबल और अकबर के बीच सदैव हंसी मजाक का दौर चलता था, दौर चलता था। नेक्स्ट, 1582 में, यूसुफ जाही जनजाति के विद्रोह को दबाने के क्रम में
क्रम में बीरबल वीर गति को प्राप्त हुआ नेक्स्ट, बीरबल का संबंध मध्य प्रदेश के कालपी नामक स्थान से था। नेक्स्ट, तानसेन, नंबर दो लिखेंगे छतगन, तानसेन लिखिए, ये एक महान संगीतज्ञ थे। तानसेन लालिया हरा कलम से लिख के छतगन, अब लिखिए इनके बारे में, ये एक महान संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट, इनका संबंध मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। नेक्स्ट, इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे, था। नेक्स्ट, इनके संगीत कला से प्रभावित होकर अकबर ने इन्हें कंठा भर वाणी विलास इनवाइट कॉमा अंडरलाइन कंठा भर वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट, तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हो गया छतगन, तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तीर्थंकर, इन्हें ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्हें ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इन्होंने निम्न रागों का आविष्कार किया था। नंबर एक, मियां की तोरी, मियां की मल्हार, मियां की तोरी, मियां की मल्हार। नेक्स्ट, तानसेन की याद में मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्ति को तानसेन पुरस्कार से सम्मानित करती है। नेक्स्ट, Aaj bhi
तानसेन का संगीत घराना ग्वालियर में मौजूद है, ग्वालियर में मौजूद है, ग्वालियर में मौजूद है, है। नेक्स्ट नंबर तीन लिखेंगे छतगन, अगले व्यक्तित्व का नाम अबुल फजल। अबुल फजल, हाँ, इसके बारे में जानने के पहले छतगन हम लोग बीरबल और तानसेन को समझ लेंगे। छतगन, अकबर के दरबार के नवरत्नों के बारे में सभी अपने अपने विधा में परिपूर्ण, सभी अपने अपने क्षेत्र के महान महान हस्तियों को उसने नवरत्नों में शामिल किया था। छतगन, बीरबल जो कि अकबर के नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान था और हाजिर जवाब भी था, अकबर का राजनीतिक सलाहकार भी था। छतगन, अकबर यदि किसी भी मामले में फंसता था, किसी भी पेचीदगी में उलझता था, तो अब बीरबल का ही सहारा लेता था। छतगन, बीरबल अकबर को हमेशा उचित सलाह देता था, सही सलाह देता था, और अकबर का हमेशा सही मार्गदर्शन करता था। छतगन, अकबर बीरबल की कहानियां आपने सुनी होगी। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था और यह मध्य प्रदेश के कालपी नामक स्थान से संबंधित थे। इनका वहीं पे जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश के कालपी में। अकबर ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी, एक बहुत अच्छे कवि भी थे और इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। छतगन, मनन करना होगा। छतगन, 1582 में यूसुफ जाही जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को अकबर ने भेजा था। छतगन, एक कवि हृदय व्यक्ति, एक मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति योद्धा हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। सचिन क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन वो बास्केटबॉल भी उतना ही अच्छा खेलें, फुटबॉल भी उतना ही अच्छा खेलें, हॉकी भी उतना ही अच्छा खेलें, ये संभव नहीं है। छतगन, कोई भी व्यक्ति हर गुण में निपुण नहीं होता है, हर विषयों में निपुण नहीं होता है। किसी का साइंस अच्छा है तो किसी का आर्ट्स अच्छा है, किसी का कॉमर्स अच्छा है ना। कोई व्यक्ति हर विषय में मजबूत नहीं हो सकता है। छतगन, ये सर्वविदित है, ये अकाट्य सत्य है। बीरबल युद्ध के मैदान में तो गया छतगन, लेकिन अफसोस योद्धा की भूमिका वो सही तरीके से नहीं निभा पाया और इस युद्ध में शहीद हो गया। पूछेगा, बीरबल किस युद्ध में शहीद हुआ था? यूसुफ जाहियों के खिलाफ युद्ध में शहीद हुआ था, यूसुफ जाही जनजाति के विद्रोह में यह शहीद हो गया था। ध्यान रखिएगा छतगन, अकबर को बहुत अफसोस लगा कि आखिर उसने क्यों भेजा था बीरबल को, ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण विश्वासपात्र व्यक्ति को अकबर ने खो दिया था छतगन, है ना। तो कविराज की उपाधि दी थी, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। वास्तविक नाम महेश दास था, इसे भी याद रखना होगा। मध्य प्रदेश से संबंधित थे बीरबल, इसे भी याद रखना होगा। मध्य प्रदेश के कालपी से संबंधित थे, इसे भी ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। छतगन, तानसेन जिनके बारे में कहा जाता है कि तानसेन गाते थे तो बारिश होने लगती थी, तानसेन गाते थे तो रात को भी फूल और कलियां खिल जाती थी, तानसेन जब गाते थे तो भौरे गुनगुनाने लगते थे, तानसेन जब गाते थे तो जंगली जानवर रुक करके उनका संगीत सुनने लगते थे, तानसेन जब गाते थे तो शीशे चटकने लगते थे, टूटने लगते थे। ये तानसेन के संगीत में जादुई और दैवी असर था छतगन। अकबर भी इस दैवी और जादुई असर से बच नहीं सका और उसने भी तानसेन को अपने दरबार के नवरत्नों में शामिल किया। कंठावर वाणी विलास की उपाधि दी थी। छतगन, जिनके कंठ में वाणी का विलास हो, कंठाभर वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसे दी थी? तानसेन को। तानसेन का संबंध कहां से था छतगन? मध्य प्रदेश के ग्वालियर नामक स्थान से था। आज भी ग्वालियर में तानसेन घराना मौजूद है, तानसेन के वंशज मौजूद है जो संगीत की शिक्षा देते हैं और संगीत के सुर को आज भी लोगों तक मिठास भरी जुबान के साथ पहुंचाते हैं। पूछेगा, ध्रुपद गायन शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तानसेन को कहा जाता है। मियां की तोरी, मियां की मलहाल जैसे रागों के जन्मदाता कौन थे? तानसेन थे, ध्यान रखेंगे छतगन। कौन सी राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष तानसेन पुरस्कार देती है? मध्य प्रदेश सरकार तानसेन पुरस्कार देती है। छतगन, महान संगीतज्ञों को, महान गीतकारों को, महान लेखकों को, मतलब महान जिन्होंने गीतों की रचना की है, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है, या फिर बहुत अच्छे गायक या गायिका हैं, उन्हें प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश सरकार तानसेन पुरस्कार से नवाजती है। पूछ चुका है क्वेश्चन छतगन कि तानसेन पुरस्कार कौन सी राज्य सरकार देती है, तो मध्य प्रदेश सरकार। चूंकि मध्य प्रदेश के थे तानसेन, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। छतगन, तानसेन का मकबरा ग्वालियर में मौजूद है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे
ध्रुपद गायन शैली के जन्मदाता मियां की तोड़ी मियां की मल्हार जैसे रागों के आविष्कारक थे तानसेन, जिन्हें अकबर ने कंठा भर वाणी विलास की उपाधि दी थी। पूछेगा तानसेन का संबंध किस क्षेत्र से था? संगीत के क्षेत्र से था। तानसेन का संबंध कहां से था? मध्य प्रदेश के ग्वालियर से था। ध्रुपद गायन शैली के जन्मदाता कौन थे? तानसेन थे। मियां की तोड़ी मियां की मल्हार जैसे रागों के जन्मदाता कौन थे? तानसेन थे। कंठा भर वाणी विलास की उपाधि अकबर ने किसको दी थी? तानसेन को दी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छात्रगण, पैनी निगाहें आपकी होनी चाहिए। तानसेन पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है, संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। ध्यान देंगे छात्रगण, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आएंगे छात्रगण अगले नवरत्न की ओर। अबुल फजल, अबुल फजल, फजल लिखिए, ये शेख मुबारक के पुत्र थे। शेख मुबारक के पुत्र थे, थे। नेक्स्ट, इन्होंने आईने अकबरी, अकबरी एवं अकबरनामा, आईने अकबरी एवं अकबरनामा जैसे उत्कृष्ट ग्रंथों का लेखन किया था, ग्रंथों का लेखन किया था जिसमें अकबर के इतिहास का वर्णन मिलता है, मिलता है। नेक्स्ट, अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने बुंदेला शासक वीर सिंह बुंदेला, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवा दी थी। क्या सवाल आएंगे छात्र, गौर कीजिएगा। अबुल फजल कौन थे? तो प्रसिद्ध सूफी संत शेख मुबारक के पुत्र थे। अबुल फजल ने किन दो प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की थी? आईने अकबरी, अकबरनामा की रचना की थी। याद रखेंगे छात्रगण, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आईने अकबरी, अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अबुल फजल थे। गौर करेंगे छात्रगण, अबुल फजल एक महान लेखक और इतिहासकार थे। इन्होंने अकबर के इतिहास को आईने अकबरी और अकबरनामा जैसे ग्रंथों में समेट दिया था। ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रगण। अबुल फजल और अकबर की बहती नजदीकियों को देखते हुए अकबर के पुत्र जहांगीर ने बुंदेला शासक वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी। छत्गन पूछेगा, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बुंदेला शासक वीर सिंह बुंदेला किसके आदेश पर? जहांगीर के आदेश पर किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखेंगे छत्गन, फैजी, फैजी देखिए, ये अबुल फजल के बड़े भाई थे, बड़े भाई थे। अकबर ने इन्हें अनुवाद विभाग का प्रमुख बनाया था। अकबर ने इन्हें अनुवाद विभाग का प्रमुख बनाया था, बनाया था। पूछेगा फैजी कौन थे? तो अबुल फजल के बड़े भाई थे। अकबर ने जो अनुवाद विभाग बनाया था, जहां संस्कृत हिंदी में लिखे गए ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद होता था, उसका प्रमुख बनाया था फैजी को। ध्यान रखेंगे छत्रगण। नेक्स्ट लिखेंगे, अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, खाने खाना लिखे, ये बैरम खान के पुत्र थे, पुत्र थे। इन्हें
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी, खाने खाना की उपाधि दी थी। ये रहीम के उपनाम से, रहीम के उपनाम से कविता और दोहे लिखते थे, कविता और दोहे लिखते थे। छतगन अब्दुल रहीम खाने खाना का नाम आपने सुना है, रहीम के उपनाम से कविता और दोहे लिखते थे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ एक बार पड़ जाए। छतगन रहीम इतिहास में काफी प्रसिद्ध हैं और अकबर के नवरत्नों में से एक, बैरम खान के पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना। इन्हें खाने खाना की उपाधि अकबर ने किस विजय के उपरांत दी थी? गुजरात अभियान के दौरान दी थी। गुजरात विजय के उपरांत इन्हें खाने खाना का उपाधि दिया गया था। छतगन ध्यान रखिएगा, अकबर के दरबार के महान नवरत्न जो दोहा और कविता लिखते थे, एक से बढ़कर एक। रहीम की दोहे और कविताएं आप सुन चुके हैं छतगन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए, अगले व्यक्तित्व का नाम लिखेंगे छतगन, मानसिंह। ये आमेर के राजा भारमल के पौत्र, आमेर के राजा भारमल के पौत्र एवं भगवान दास के पुत्र थे, भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में एक कुशल सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक कुशल सेनापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट लिखेंगे छतगन, भगवान दास। भगवान दास लिखे, ये आमेर के राजा भारमल के पुत्र एवं जोधाबाई के भाई थे, आमेर के राजा भारमल के पुत्र एवं जोधाबाई के भाई थे। नेक्स्ट, हकीम हुकाम। हकीम हुकाम, हुकाम लिखे, ये अकबर के विश्वासपात्र मित्र थे तथा अकबर के शाही रसोइया, रसोइया थे तथा एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन बनाते थे, लजीज व्यंजन बनाते थे। नेक्स्ट, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा लिखे, अपनी बुद्धिमानी एवं वाक पटुता के कारण, अपनी बुद्धिमानी एवं वाक पटुता के कारण ये अकबर के नवरत्नों में शामिल किए गए थे, ये अकबर के नवरत्नों में शामिल किए गए थे। यह छतगन अकबर के दरबार के नवरत्नों का इतिहास। छतगन, नवरत्नों की संख्या पढ़कर आपके लिए 10 जरूर हुई होगी,
लेकिन आपको इसे ध्यान रखना होगा कि थे नौ ही, क्योंकि नाम ही नवरत्न है, तो ऐसा कैसे हुआ होगा? छतगन भगवान दास की अचानक मृत्यु हो गई, आमेर के राजा भारमल के पुत्र भगवान दास की मृत्यु हो गई और उसके जगह अकबर ने भगवान दास के पुत्र मानसिंह को नवरत्नों में शामिल कर लिया, है ना। तो नौ तो थे छतगन, एक की मृत्यु हो गई भगवान दास की, तो आठ हो गए छतगन, है ना। अब आठ हो गए तो फिर प्लस एक कर दिया अकबर किसको, मानसिंह को, है ना, फिर नौ हो गए छतगन। इसलिए इसे नौ माना जाता है। ध्यान रखेंगे छतगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं। छतगन कोई शाही रसोईया है, कोई वाकपटुता में माहिर है जो अकबर का इंटरटेनिंग एकदम करता रहता था, हर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं छतगन नवरत्न में। कोई संगीतज्ञ है, कोई लेखक है, कोई कवि है, कोई दोहा लिखता है, कोई सलाहकार है ना। तो सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं छतगन, कोई इतिहासकार है। इसलिए अकबर के नवरत्नों के सभी नवरत्नों के नाम और उनके काम आपको याद रखने होंगे। इससे सवाल हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में छतगन जबरदस्त रूप से पूछा जाता है, इसलिए आपको इस पर पैनी निगाहें रखनी होगी। एक एक चीजों को ध्यान रखना होगा, एक एक चीजों को छतगन मनन करना होगा। इसलिए हर नवरत्न की विशेषताओं को छतगन याद रखिएगा, है ना। फैजी कौन थे? तो अबुल फजल के बड़े भाई थे, याद रखना होगा। अनुवाद विभाग का प्रमुख अकबर ने किसे बनाया था? तो फैजी को बनाया था। तो जब तक आप छतगन इन सब चीजों को याद नहीं रखेंगे तब तक सवाल आपसे नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको इन सारे चीजों को छतगन याद रखना होगा, मनन करना होगा और स्मरण करना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है छतगन। आप हेडिंग बनाइएगा अकबर की राजपूत नीति, अकबर की राजपूत नीति। नीति लिखिए। अकबर इस बात को भली भांति जानता था, अकबर इस बात को भली भांति जानता था कि राजपूतों को मिलाए बिना वह भारत में शांतिपूर्ण तरीके से शासन नहीं कर सकता है। इसलिए उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। किए थे। नेक्स्ट तीर्थंकर। अकबर ने आमेर के कछवाहा वंश के राजा भारमल की पुत्री जोधा बाई के साथ विवाह किया था। नेक्स्ट, जोधाबाई का एक अन्य नाम हरखाबाई या हीर कुंवर, हरखाबाई या हीर कुंवर भी था। नेक्स्ट, जोधाबाई से ही अकबर को जहांगीर अर्थात सलीम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का विवाह भी कई राजपूत कन्याओं के साथ किया था नेक्स्ट,
आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई बाई का विवाह अकबर ने जहांगीर के साथ किया था। नेक्स्ट, मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का विवाह भी अकबर ने जहांगीर के साथ किया था। नेक्स्ट, इस प्रकार अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक एवं मधुर संबंध कायम किए थे। नेक्स्ट, राजपूतों ने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। छतगन, अब अकबर के द्वारा जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे उसे आपको ध्यान रखना होगा। राजा भारमल जो कि कछवाहा वंश के राजपूत शासक थे, आमेर के, जयपुर का प्राचीन नाम है, इनकी पुत्री जोधाबाई के साथ अकबर ने विवाह किया, जो हरखाबाई या हीर कुंवर के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी के पुत्र का नाम सलीम या जहांगीर था। छतगन, अकबर ने अपने पुत्र सलीम या जहांगीर का विवाह भी राजपूत कन्याओं के साथ किया ताकि संबंधों को और मधुर बनाया जा सके। छतगन, भगवान दास की पुत्री मानबाई का विवाह भी अकबर ने सलीम या जहांगीर के साथ किया था। साथ ही साथ अकबर ने मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर के साथ किया और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य को अपनी राजपूत नीति के द्वारा, मधुर संबंधों के द्वारा, वैवाहिक संबंधों के द्वारा सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचा दिया। तो छतगन, ये सारे चीजों को आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा। अकबर को की राजपूत नीति अपने आप में जबरदस्त थी। ये जानता था, भली भांति इस बात से परिचित था कि यदि वह राजपूतों को मिला करके नहीं चलेगा, यदि वह राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखेगा, तो वह भारत में स्थायी तौर पर और शांतिपूर्ण तरीके से शासन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह इसके पूर्व की स्थितियों को देख चुका था, राणा सांगा के इतिहास को देख चुका था, अन्य शासकों के इतिहास को देख चुका था। इसलिए इसने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण और वैवाहिक संबंध अपनाना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और इसे इसने पूरा भी किया। इतिहास गवाह है छतगन कि राजपूतों ने अकबर का खुलकर साथ दिया और साम्राज्य विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। धन्यवाद छतगन, है ना। तो छतगन, ये अकबर की कूटनीतिक थी, ये अकबर का एक राजनीतिक चाल था, ये अकबर का एक जबरदस्त दूरदर्शिता थी कि उसने राजपूतों के साथ महत्वपूर्ण और वैवाहिक संबंध स्थापित करके दुश्मन को भी दोस्त बना लिया और उन लोगों को भारत के साम्राज्य विस्तार में जबरदस्त रूप से सहयोग प्राप्त किया था। तो छतगन, आज कक्षाओं को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। अगली कक्षाओं में हम लोग जो है अकबर के पुत्र जहांगीर के बारे में जानकारियां हासिल करेंगे। तब तक के लिए छतगन, आप सबों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद।